मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, नाउ हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजिक्स है। ठीक है, और फिजिक्स में आज जो तीसरी फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग फोर्स है। हमने इससे पहले कौन सी फोर्स की थी? हमने इससे पहले की थी वीक न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, कितनी स्ट्रांग थी वो? 10^25 टाइम्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमें करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को आप अच्छे से समझेंगे तभी कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा बच्चा। ठीक है, तो इस फोर्स को आपने अच्छे से समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स दैट इज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। मैं इसको फुली एक्सप्लेन करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम एक देखेंगे कि भैया देखो हमने क्या डेफिनेशन लिखी है। एक ऐसी फोर्स जो एग्जिस्टेंस में आती है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले जो हमें इसमें पढ़ना है भैया कूलम्बियन फोर्स। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अगर मैं एक चीज़ डाल दूँ वो है कूलम्बियन फोर्स। कौन सी है भैया? कूलम्बियन फोर्स। मान लो आपने दो चार्ज पार्टिकल ले लिए, पार्टिकल ए ठीक है और पार्टिकल बी। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो फिर क्या होता है भाई? ये वाला जो चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब जो फोर्स लगा रहा है तो उसके कारण रिपल्शन होगी। क्या होगी? रिपल्शन। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसे ही कहा जाता है कूलम्बियन फोर्स, और दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज जब हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसे बोला जाता है कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब मैं इस फोर्स को निकालूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण भी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी। हम सिर्फ अभी इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक को मैं नहीं लेके आया इफेक्ट में। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज के कारण जो फोर्स है उसे इलेक्ट्रो फोर्स बोल दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब तो ये फोर्स हम कैसे निकालेंगे? इस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला वैसे तो 12th में आएगी, आपको बस याद रख लेना है। कितना फॉर्मूला होता है इसका? के क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। याद रखना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी में लिखूंगा इसको तो क्या लिखूंगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर वन टू का स्क्वायर इंटू आर वन टू का। ठीक है, ये मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ज़्यादा मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस चीज़ को कि वेक्टर क्या है और स्केलर कंपोनेंट क्या है, छोड़ो अभी उस चीज़ को। तो अभी हमने इतना ही जानना है कि कूलम्बियन फोर्स क्या है। कूलम्बियन फोर्स होती है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कैसे निकलती है? दोनों का प्रोडक्ट एंड जो इनके बीच में डिस्टेंस है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहीं ना कहीं यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया।
चलिए अब इसमें लिख लिया आपने कूलम्बियन फोर्स। अब उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, मूविंग विद सम वेलोसिटी, देन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द मूविंग, अराउंड द मूविंग चार्ज। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके कारण, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लो, ये कंडक्टर मैं लेता हूँ और इससे कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो जाने के बाद इसके अराउंड कुछ ना कुछ बनेगा जरूर, और दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा ध्यान से समझो, देखो इसकी तरफ, ये एक कंडक्टर है, इसमें से चार्ज भाग रहा है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे थंब रूल से, तो इस तरीके से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। दो चार्ज पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लग रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब अब मैग्नेट ये बन गया, तो इसके पास अगर मैं किसी मैग्नेट को लेके आऊंगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन आएगा, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बात समझ लो, तो मैग्नेटिज्म बनने के कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आपने देखा तो चार्ज पार्टिकल थे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, लेकिन हम बहुत सारी फोर्सेस को इसी कंसेप्ट से बता सकते हैं। याद रखना, अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, ठीक है, वेरियस फोर्सेस इन द नेचर, various forces which is present in the nature is described by this force, yet by this concept means इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कंसेप्ट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आप बहुत सी फोर्सेस को, वेरियस फोर्सेस, इन फोर्सेस को आप मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस भी बोल सकते हो, मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, अब सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, आप लोग करते रहिए इसको। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इस मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस की बात करें, तो एग्जांपल जो हैं इनके, वो एग्जांपल क्या होते हैं, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर पड़ा है, ठीक है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द अदर बॉडी, ठीक है, तो एक तो वो फोर्स हो गई, एक हो गई फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये एग्जांपल जो हैं इसके, वो एग्जांपल क्या होंगे, चलो पहला फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा अगर एग्जांपल देखोगे तो टेंशन, ठीक है, और व्हेन अ वन बॉडी इज कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द अदर बॉडी, तब भी उसके नीचे फोर्स लगेगी, अ बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द अदर बॉडी, ठीक है, सरफेस ऑफ द बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। तो पहले हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन और फोर्स ऑफ स्प्रिंग, फोर्स इन स्प्रिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की फोर्सेज हैं, और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से ही बताई जाती हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले वाली फोर्स लेके चलता हूं, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आप क्लियर रखो, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। देखो, मान लो एक टेबल है,
ठीक है। चलिए, इस टेबल पे आपने एक बुक रख दी, चलो बुक मत रखो, इस टेबल पे आपने एक डब्बा रख दिया, क्लियर। चलिए, आपने इस फोर्स पे एक डब्बा रख दिया। पहला हम कर रहे हैं फोर्स, फोर्स बिटवीन द बॉडीज, फोर्स बिटवीन द बॉडीज व्हेन सरफेस ऑफ वन बॉडी, व्हेन सरफेस ऑफ वन बॉडी इज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अदर सरफेस ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, ये चीज़ है भाई। इसके बीच में फोर्सेस कैसे लग रही होंगी, देखो किस तरीके से मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से रखना। देखो, आपको पता है कि जब आप इस सरफेस की बात करते हो तो इस सरफेस में बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। इस टेबल के बीच या टेबल जहाँ कॉन्टेक्ट में है वहाँ भी बहुत सारे एटम हैं, ठीक है। यहाँ भी एटम और वहाँ भी एटम। एक जो नीचे वाला टेबल है उसके एटम किसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, जो मग के एटम हैं उसके एटम्स पर फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इस वाला जो फोर्स है, जो इसके एटम है, वो उसके इलेक्ट्रॉन पर या उसके प्रोटॉन्स पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे। चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें चार्ज पार्टिकल है, इसमें भी और उसमें भी, तो दोनों एक ऊपर नीचे ताकत लगा रहे हैं। मान लो ये ऊपर ताकत लगाता है तो उतनी ही बैलेंस्ड फोर्स नीचे लग जाती है, तो ये चीज़ स्टिल इसके ऊपर पड़ी रहती है। अगर मैं किसी चीज़ को किसी के ऊपर रख रहा हूँ तो फिजिक्स ये कहती है कि इसके एटम ने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसके एटम ने इसके ऊपर फोर्स लगाई। हमारे सेल हैं, छोड़ो, लेकिन क्या लगाई, फोर्स लगाई, और उस फोर्स लगाने से ये चीज़ बैलेंस इसके ऊपर पड़ी रही, तो इसको बोलते हैं, इस फोर्सेस को आप क्या कह सकते हो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, एटम जो है वो डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं, तो दोनों एक स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, इट इज एक्ट अलोंग द नॉर्मल टू द बॉडी। याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाल के लिख लो, ठीक। जब ये बॉडीज हैं, सरफेस ऑफ द वन बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद द अदर सरफेस ऑफ सेकेंड बॉडी या अदर बॉडी, ठीक, देन क्या होता है, द फोर्स इज एक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस। याद रखना भाई, याद रखना, नॉर्मली का मतलब होता है या नॉर्मल, एक्ट अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ये एक सरफेस है, ये सरफेस दिख रहा है आपको, इस सरफेस के नॉर्मल और इस सरफेस के ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि जब आपकी बॉडीज किस में पड़ी हों, ठीक है, तो आप इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स कर सकते हैं, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप टेंशन कर सकते हैं। टेंशन जो फोर्स होती है वो रोप में होती है, ये बात याद रखो। टेंशन किस में होती है भाई, रोप में फोर्स होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, ठीक। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा समझ में आया नहीं आया कि जो इसमें वेक्टर है वो क्या कर रहा है हमेशा अलोंग, ठीक है, एक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ समराइज करके इतना ही छोड़ते हैं आज हम। इसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसी को ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। लेकिन अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था आपको पता चल गया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्लियर। चलिए फ्रिक्शनल फोर्स और बता देता हूँ मैं, उसके बाद खत्म कर देते हैं हम इसको, ठीक, खत्म ही कर देते हैं आज, चलिए लगे हाथ, क्लियर है भाई। तो इस चीज़ को याद रखना भाई। अगला है, जब फोर्स कॉन्टेक्ट में है तो फोर्स एक्ट अलोंग द नॉर्मल। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स,
नाउ सेकंड जो टाइप है वो है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, दिस द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज विच एक्ट अलोंग द पैरेलल डायरेक्शन, which act in the parallel direction to the surface is called friction. ठीक है, the component of the force which act in the parallel direction to the surface. ठीक है, किसी भी surface की parallel direction में जो component force का होता है उसको और कुछ नहीं क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन बोला जाता है. देखिए मैं चीज को समझाता हूं कैसे. ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स तो क्लियर है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है. कैसे, देखो एक बंदा है वो इस पेड़ पे चढ़ रहा है. मान लो ये पेड़ का सरफेस आपको पता है क्या होता है, रफ होता है. पेड़ का सरफेस क्या होता है भाई, रफ सरफेस होता है. पेड़ का जो रफ सरफेस है इसके ऊपर बंदा क्लाइंब कर रहा है, बंदे ने अपने हाथ से इनको पकड़ा हुआ है. ठीक है, एक पेड़ को पकड़ लिया आपने, तना पकड़ लिया पूरा मोटा मान के चलो भैया इस चीज को कि तने को आपने पकड़ लिया, होल्ड कर लिया. ठीक है, यहां से होल्ड कर लिया ऐसे. ठीक है, तने को होल्ड करा तो तने को होल्ड करने के बाद क्या होगा, वहां पे जो पेड़ है, जो पेड़ है उसका सरफेस रफ है. उसका सरफेस क्या है भाई, रफ है. तो वहां पर एक फोर्स जो उस पेड़ के कारण लगेगी, हमारी जो फोर्स है, अगर हम किसी चीज पर लटक जाते हैं, मान लो इस चीज के ऊपर हम लटक गए, तो हमारी फोर्स हमको कहां लेके जा रही है, नीचे. मान लो मैं सरफेस पे ही लेके चलता हूं तो इस सरफेस के हमें कहां नीचे लेके जा रही है, नीचे. क्यों, क्योंकि हमारा वेट है. हमारा क्या है, वेट है. और वेट ही कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगी. ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है, जी, एम जी. तो ये हमारा वेट है. जब हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट ही बन जाता है, तो एम जी बन गया. हमारा वेट कितना होता है, हमेशा एम जी. तो इस एम जी के कारण हम नीचे की तरफ आ रहे होंगे, लेकिन आप फिर भी उस पेड़ के ऊपर खड़े रहते हो. क्यों उस पेड़ के ऊपर खड़े रहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अलोंग या इसके अपोजिट एक फोर्स और होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. ये बात याद रखो, मतलब जब दो सरफेस स्मूथ हो तो कौन सी सरफेस, कौन सी कंपोनेंट लगा था, जो फोर्स थी, फोर्स एक्ट अलोंग द नॉर्मल. लेकिन जब सरफेस क्या है, स्मूथ है. When the surface are rough, then क्या होगा, Force act along the parallel direction. ठीक है, parallel direction to the surface. टू द सर्फेस, ये बात आप याद रखो. तभी एक बंदा क्या रह पाता है, इस पेड़ के ऊपर स्टिल खड़ा रह पाता है. लेकिन अगर मैं एक फ्रिक्शन लेस ले लूं, एक खंबा ऐसा ले लूं, ठीक है, एक खंबा ले लिया जो फ्रिक्शन लेस है, जो क्या है भाई, फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है बिल्कुल, क्या इसके ऊपर आप स्टिक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप नीचे की तरफ गिर जाओगे. क्यों, क्योंकि यहां पर जो फोर्स थी वो नॉर्मली लग रही थी. वो फोर्स क्या लग रही थी भैया, नॉर्मली. और हमको इस फोर्स की जरूरत नहीं है, इस कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है जो हमारे वेट को रोक सके, एक अपोजिट फोर्स लगा सके जो हमारे वेट को कंपनसेट कर दे, या हमारे फोर्स को या हमारे वेट के इफेक्ट को खत्म कर दे. उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, फ्रिक्शनल
फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्ट अलोंग पैरेलल डायरेक्शन टू द सरफेस या एक्ट इन द पैरेलल डायरेक्शन। एक्ट अलोंग मत लिखो तो एक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन। फोर्स एक्ट अलोंग द नॉर्मल इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस। तो ये दो बातें थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके लिए है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में लिखना तो उतना ही है, लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं, ये फोर्स सिर्फ समझने के लिए है ज्यादा तो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं देखूं, ठीक, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्या देख लो आप, प्रॉपर्टी देख लो। पहली क्या है, 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ये लिख दो, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर ला, ठीक है। तीसरा लिख दो सेंट्रल फोर्स, ठीक है। 10^36 और इट ओबे इनवर्स स्क्वायर ला तो आपको पता चल ही गया, क्योंकि क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, इसीलिए इनवर्स स्क्वायर को ओबे करती है। सेंट्रल फोर्स है टफ, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसके बाद एक फोर्स और बच गई और कल हम मेजरमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको, कर लीजिए इसको अच्छे से, बहुत अच्छा टॉपिक था, ठीक है। अच्छे से करा दिए हैं तो इसको कंप्लीट कर लें।